सबसे पहले हमको इसके लिए एक प्लास्टिक की आवश्यकता होती है। ये विशेष प्रकार की प्लास्टिक होती है जो कि परावैगनी अवरोधी होती है। अगर हम सामान्य प्रकार की प्लास्टिक का प्रयोग अगर उद्यानिकी फसलों में करते हैं तो वो 15 से 20 दिन में खराब हो जाएगी। इसके लिए परावैगनी अवरोधी प्लास्टिक का प्रयोग हमको करना रहता है। बाज़ार में जो आप देखेंगे जो प्लास्टिक उपलब्ध हैं उद्यानिकी के लिए, वो उसकी विभिन्न मोटाइयों और विभिन्न रंगों में बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। कौन सी फसल हमको लगानी है और कब लगानी है, इस आधार पर हमको जो फिल्म है, प्लास्टिक मल्च फिल्म है, उसका चयन करना पड़ता है। यदि किसान भाइयों, यदि हम सब्जियों की खेती करने में प्लास्टिक मल्च का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमको इसकी मोटाई जो रखनी रहेगी वो 25 से 30 माइक्रोन, यानी 25 माइक्रोन मतलब 100, इसमें गेज भी हम कह सकते हैं, इतनी मोटी हमको प्लास्टिक लेनी है। यदि हम बगीचे में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करने जा रहे हैं तो ऐसे फलदार वृक्ष जिनकी आयु कम रहती है, जैसे पपीता हुआ या फिर हमारा केला होता है, इसमें हम 50 माइक्रोन मोटी प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं। और जो बहुवर्षीय फलदार पौधे होते हैं, जैसे आम हुआ, अमरूद, नींबू, मौसमी, इनमें 100 माइक्रोन या 100 माइक्रोन मोटाई वाली प्लास्टिक का फिल्म का उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, जो फिल्म का हम प्रयोग करते हैं, सामान्यतः पहले तो हम काले रंग की फिल्म का प्रयोग करते थे, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिकों ने बहुत इस पर रिसर्च की और कई सारे नए रंगों के आधार पर भी फसल के हिसाब से इसका चुनाव सुनिश्चित किया है। यदि हम जैसे टमाटर की खेती करने जा रहे हैं तो इसके लिए जो लाल रंग की फिल्म जो होती है, जो ऊपर से लाल होती है और नीचे से काले रंग की फिल्म होती है, ऐसी 25 से 30 माइक्रोन मोटी अगर हम फिल्म लगाते हैं तो इससे टमाटर में जो फल आने की आता है या फूल आने का समय होता है वो जल्दी आता है, साथ ही साथ इसमें उत्पादन अधिक होता है। इसी प्रकार से किसान भाइयों, प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग रोग एवं कीट नियंत्रण में भी होता है। अगर हम मिर्च की फसल की बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है मिर्च की फसल में। इसके लिए पीले रंग की जो प्लास्टिक फिल्म होती है, जो ऊपर से पीला रंग होता है और नीचे से काले रंग की फिल्म होती है, इसका हम चुनाव करते हैं। इस प्रकार की फिल्म का चुनाव करने से जो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हमारी मिर्च की फसल पे होता है वो नहीं होता है। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, अभी आने वाला जो समय है, इसमें तरबूज और खरबूज का मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रों में उत्पादन लिया जाता है। उसके लिए आप देखेंगे कि सिल्वर रंग की या चमकीली जो मल्च फिल्म है उसका प्रयोग करना बहुत ही उपयुक्त रहता है, क्योंकि आने वाले समय में, अभी गर्मियों का समय जब आएगा तो ज़मीन का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जब हम सिल्वर काले रंग की फिल्म का प्रयोग करेंगे तो इससे ज़मीन के जो जड़ वाला क्षेत्र है, पौधों की जड़ वाला क्षेत्र है, वहाँ का तापमान कम रहेगा। साथ ही साथ चमकीली फिल्म होने के कारण जो रस चूसक कीट होते हैं हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हम और भी रंगों की, गर्मियों में अगर हम फसल उत्पादन करने जा रहे हैं तो इसमें हम सफ़ेद रंग की प्लास्टिक फिल्म का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हम फिल्म लेते हैं, इसमें इसको खेत में किस प्रकार से लगाना, इस बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 रोल फिल्म के, जो कि 4 फीट चौड़ाई की फिल्म होती है, 4 से 5 रोल, 10 से 12 किलो का जो रोल होता है, उसकी हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले खेत को अच्छे से भुरभुरा कर लें। इसमें जब भी फिल्म बिछाते हैं तो इसमें जो खेत होता है उसमें बैड जो होते हैं वो उठे हुए बनाने चाहिए हमको। 60 से 80 सेंटीमीटर चौड़े उठे हुए बेड बनाकर इसके ऊपर जो 4 फीट वाली 1.2 मीटर चौड़ी जो फिल्म होती है उसको हम बिछाते हैं। फिल्मों का जो रंग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो आप फसल लगा रहे हैं उसके हिसाब से हमको इसमें बिछाना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हम प्लास्टिक मल्चिंग फिल्म का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फिल्म जब बिछाते हैं तो इसके नीचे जब ड्रिप बिछा देते हैं तो ड्रिप के माध्यम से ही हम पौधों को पानी देते हैं और ड्रिप के माध्यम से ही हम पौधों को उर्वरक भी देते हैं। इसके बाद इसमें निश्चित दूरी, जो ड्रिप हमने बिछाई, इसके बाद हमको फिल्म बिछा देनी है। फिल्म को बिछाने के बाद दोनों तरफ से इसको हम फावड़े की सहायता से मिट्टी से दबा देते हैं। इसके बाद जो भी हम फसल लगा रहे हैं उसकी निश्चित दूरी पर, जैसे 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, हमको इसमें 3 से 4 इंच चौड़े इसमें छेद करने चाहिए।
इसमें इसके बाद छेद करने के बाद इसमें निश्चित दूरी पर जो हमने छेद किए हैं उसमें हमको पौधों को लगाना है। जहाँ पर भी हमने फिल्म को लगाया हुआ है वहाँ पर जानवरों का प्रवेश ना हो, अन्यथा जो फिल्म है वो फट जाएगी। लागत अगर हम बोलते हैं तो लागत काफ़ी अधिक आती है, तो इसके लिए भारत सरकार की एक योजना है जो कि मध्य प्रदेश में भी चल रही है, जिसका नाम है, जो कि उद्यानिकी विभाग की तरफ से चलाई जाती है, जो MIDH कहलाती है, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके अंतर्गत अगर किसान भाई ये फिल्म खेत में लगाना चाहते हैं तो 50% तक का अनुदान किसान भाइयों को प्रति हेक्टेयर के मान से इसमें मिलता है, जो कि अधिकतम जो इसमें होता है 16,000 रुपये के आपसे आता है। किसान भाइयों, अगर हम ज़्यादा क्षेत्र में फिल्म लगाना चाहते हैं तो स्वयं ना बिछाकर इसकी मशीन भी बाजार में उपलब्ध है, जो कि मल्च फिल्म भी बिछाती है और साथ ही साथ इसमें ड्रिप मशीन, ड्रिप की जो पाइपलाइन होती है वो भी बिछती है, और साथ ही साथ मल्च फिल्म भी खेत में हम इसमें बिछा सकते हैं, और मशीन पर भी अनुदान की व्यवस्था है, इस पर भी 40 से 50% आप अनुदान ले सकते हैं। ये बदलाव क्या है